हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नौवीं गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का प्रश्नावली 2.3 कहने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में भाग विधि से भाग मतलब इन सभी का भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। पहले हमें देना है एक्स प्लस वन का भाग, तुम लोग भी समझ लेना ठीक है। एक्स प्लस वन का भाग देना है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में। देखो नंदन, अब अच्छे से समझना ठीक है। इसमें हमें देना है क्या भाग x प्लस वन का। अब सुनो, यहां पर कितना लिखा है एक्स क्यूब। भाग जब हम देते हैं, जैसे 12 है, 12 में हम 4 का भाग देते हैं तो 12 4 की टेबल में कितनी बार में आता, यानी कि 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 में 3 का गुणा करते तो 12 आ जाए, तो 3 यहां पर लिख देते, यहां 12 लिख देते, कट जाता। अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें अब वही x में है। अब x जैसे है, यहां x क्यूब है, तो x में कितने का हम गुणा करेंगे कि x क्यूब आ जाए, x में हम कितने का गुणा करेंगे कि x क्यूब आ जाए, कितने का करेंगे, x स्क्वायर का करेंगे। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इस पर एक की घात है, इस पर दो की घात है, तो x क्यूब पर तीन की घात हो जाएगी। तो यहां पर हम x क्यूब का क्या करेंगे, गुणा, यानी कि एक्स क्यूब से हम एक्स क्यूब बार भाग देंगे इसमें, या एक्स क्यूब का इसमें गुणा करेंगे। तो एक्स क्यूब से हम करेंगे किसमें, एक्स प्लस वन में, तो एक्स प्लस वन में करेंगे, तो एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर का, अरे हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या देंगे, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगा हमारा इसमें ठीक है। तो जब हम एक्स स्क्वायर का x प्लस वन में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जब हम x में करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब और आ जाएगा प्लस वन। देखो x क्यूब तो हमें चाहिए ही था, चाहिए था, तो क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर। यहां पर x स्क्वायर का वन में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, वन नहीं आएगा ठीक है। आ गया इतना। अब इसको हम जैसा हम भाग में कहते हैं, भाग देते हैं, तो हम घटाते हैं ना इस संख्या को, इसमें से इसको, तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब ये तो दोनों कट जाएंगे, काटने के लिए तो हम सब कर रहे हैं। अब 3x में से एक एक्स स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि तीन है उसमें से एक गया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो 3x है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे प्लस 3x, लिख लिया इतना कर। अब फिर से क्या देखो कि हमें क्या चाहिए है, 2x स्क्वायर चाहिए है। तो x में हम कितने का गुणा करेंगे x में कि 2x स्क्वायर आ जाए, बताओ x में हम कितने का गुणा करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, x का ही गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब लेकिन 2 और चाहिए तो 2x का हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x का गुणा करेंगे तब आएगा, तो यहां पर लिख देंगे प्लस 2x, लिख दिया। अब 2x का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी कहना पड़ेगा ठीक है, सेपरेशन है, इसी में बस गुणा करेंगे, तो 2x का हम x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें किया है तो हमें इसमें भी कहना पड़ेगा, जैसे x प्लस वन में हम 2x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का वन में भी होगा तो आ जाएगा प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर। अब 2x का वन में भी करोगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहां माइनस कर दो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएंगे। अब देखो यहां पर है 3x और यहां है 2x, तो 3x में से 2x गया तो बचेगा 1x, तो यहां पर सिर्फ x बच जाएगा। अब जो ये वन है, यहां पर ये जो वन लिखा है इसको हम कहां पर लिख देंगे, नीचे प्लस वन में लिख लेंगे, ऐसे कह देना भाग में। अब प्लस वन में लिख ले, अब x प्लस वन है, x प्लस वन है ना, x प्लस वन है और x प्लस वन है, तो x प्लस वन का कितनी बार में भाग जाएगा कि x प्लस वन हो जाए, तो प्लस वन एक बार में, तो x प्लस वन का आप एक में गुणा करोगे x में तो x ही आ जाएगा, और एक का एक में करोगे तो एक ही आ जाएगा। इसको जब काटोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका शेषफल क्या आ गया, जीरो। तो हमें इस समीकरण में इन सभी से हमें भाग देने पर क्या चाहिए, शेषफल ज्ञात करना है। तो
जब हमने x प्लस वन से दिया भाग तो जीरो आ गया। अब तुम लोग लिख लो और जो YouTube पर बच्चे हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो।